First, while doing the numerical question, if adjusted purchases has been given, then you will be writing your closing stock in the trial balance. वो वर्ड लिखेगा आप परचेजेस के साथ एडजस्टेड. Then you will be showing closing stock separately on the debit column or in the debit column of your trial balance. And ये तो theoretical point है, इसके बारे में numerical में कभी नहीं आएगा. अगर आपने trial balance बनाने से पहले ही entry pass करी है, which we call closing stock account debited to purchases, तो closing stock क्योंकि entry में debit हुआ है, आपने journal entry pass करी है, आप इसका ledger account बनाओगे, इसकी balancing figure आएगी, तो आप इसे trial balance के debit column में लिखोगे. Then yesterday also I was discussing and then the bell rang. When in the question cost of goods sold is given, so I was telling you what is the meaning of cost of goods sold. It has a formula and very important term of our accountancy. So here we go with that, and we will decide. We will see why, if this cost of goods sold is given, then why closing stock is to be shown separately in the trial balance. I will be telling you the logic behind it. Let's see. And cost of goods sold को बहुत बार मैं क्लास में COGS कहा करूंगी, abbreviation. C for cost, O for of, G for goods, S for sold. COGS we will be calling it. This is equal to opening stock. सबको मीनिंग पता चल गया है, पिछले साल का या महीने का बचा हुआ सामान जो इस महीने या साल में आगे लेके आए हैं उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं. सो ओपनिंग स्टॉक में व्हाट यू हैव टू ऐड नेट परचेसेस. आई एम नॉट राइटिंग अ वर्ड परचेसेस, आई एम राइटिंग अ वर्ड नेट परचेसेस. अगर क्वेश्चन में रिटर्न्स दे रखी हैं तो परचेसेस में से रिटर्न्स माइनस कर दो, जो अमाउंट बचेगी उसे नेट परचेसेस कहेंगे. सो परचेसेस आर टू बी टेकन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग रिटर्न्स आउट ऑफ इट. परचेस रिटर्न माइनस करके जो बचेगा उसे नेट परचेसेस कहते हैं. Then we add up direct expenses minus closing stock. अगर क्वेश्चन में COGS गिवन है, इट मीन्स कि उसकी कैलकुलेशन करते हुए आपने क्लोजिंग स्टॉक को बीच में से क्या कर दिया था, माइनस. तो अब हम लोग उसे सेपरेटली ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे. While calculating COGS, आपने फॉर्मूला लगाया ये वाला, और फॉर्मूला लगाते हुए आपने क्लोजिंग स्टॉक को उसकी कैलकुलेशन में से माइनस कर दिया था. That's why closing stock is to be written separately. Now who will tell me, अगर क्वेश्चन में COGS दे रखा है कि आप ओपनिंग स्टॉक अलग से लिखोगे? नो, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इन द फॉर्मूला. क्या आप अलग से परचेसेस लिखोगे? नो, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इन द फॉर्मूला. COGS इज अ ग्रैंड टोटल ऑफ थ्री थिंग्स. वॉट आर दैट थ्री थिंग्स? बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल बताओ, वेजेस, फ्रेट, कैरेज, इनवर्ट. अगर ये सारे खर्चे भी आपको अलग से दे रखे होंगे, आप अलग से ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखोगे, बिकॉज इंस्टेड ऑफ राइटिंग फाइव और फोर आइटम सेपरेटली, वी हैव इन द क्वेश्चन COGS. तो जब COGS दे रखा है, ना आपने परचेसेस सेपरेटली लिखनी है, ना आपने ओपनिंग स्टॉक सेपरेटली लिखना है, ना आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेपरेटली लिखने हैं. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि फॉर्मूला में से माइनस हुआ था, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी राइटिंग इन द डेबिट कॉलम ऑफ योर ट्रायल बैलेंस. सो वी हैव वन और टू इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक दैट वी विल बी पिकिंग टुडे. ठीक है, इलस्ट्रेशन फिर से बुक में सॉल्व होगी, आई विल सॉल्व फॉलो अप फॉर यू, एंड वन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन वी विल सी. डन, लेट्स सी. टॉपिक इज COGS और टॉपिक इज एडजस्टेड परचेसेस, राइट? फॉलो अप देखो. सिक्स्थ इलस्ट्रेशन है, आप खुद सॉल्व करोगे. सिक्स्थ फॉलो अप आई एम सॉल्विंग फॉर यू. सिक्स्थ फॉलो अप पेज नंबर 10.18. पेज नंबर 10.18 एवरीबॉडी विल ओपन एट 10.18. बनाइए फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. Here we go with that.
सीरियल नंबर, नेम ऑफ द लेक्चर, डेबिट और छोटा सा एलएफ भी बनाते हैं आपकी बुक में वो, ठीक है। Who is talking at the last? Pay attention towards the board and towards your books. Start reading the statement and start putting the items. Columns ke naam khud likhna. Carriage on sales. Kya matlab hai iska? Agar main differentiate karna chahun, kya ye carriage inward hai, kya outward hai? Agar carriage on purchases hota to main nahi likhti kyunki wo COGS mein pehle se aaya hota. क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, सिखाया हुआ आपको, उस दिन बताया था कैरेज इनवर्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो आई एम राइटिंग इट सेपरेटली ऑन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैरेज ऑन सेल्स। अनदर नेम ऑफ कैरेज ऑन सेल इज कैरेज आउटवर्ड्स, डन, कैरेज ऑन सेल। ₹41,000 डेबिट, ₹4100 है, ठीक है जी, एक जीरो रिमूव कर देते हैं, कॉमा फोर के साथ लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग के सारे एसेट 2 लाख, हाँ कैपिटल, साथ वाले कॉलम भी देख लेते हैं, इज टू बी क्रेडिटेड 1,74,000, डेटर्स 66,000, डेप्रिसिएशन इज माई एक्सपेंडिचर, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस, ₹18,000, सेल्स इज माई इनकम 3,40,000, यस, जैसे क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आया, वॉट आई विल सर्च, क्या अलग से परचेसेस तो नहीं है, क्या अलग से कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, सीओजीएस तो मैं डेबिट वाली साइड पे लिख दूंगी बिकॉज कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब मेरा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक अगर सीओजीएस क्वेश्चन में है तो क्लोजिंग स्टॉक भी शो सेपरेटली, आपने नीचे एग्जामिनर को बता के आना है एज इन द क्वेश्चन सीओजीएस वॉज अपियरिंग, सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक इज नेवर शोन इन द ट्रायल बैलेंस, राइट। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,25,000. Closing stock being an asset is to be debited 45,000. Creditors, इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहिए था, इसको साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह देने चाहिए थे ताकि मैं उन्हें स्किप करती, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक देना चाहिए था ताकि मैं उसे स्किप करती, एंड फॉर योर सरप्राइज परचेसेस आर नॉट अपीयरिंग, sales are there and purchases are not there, why not there, because it is already in the COGS na, ha had he been giving you to confuse you, you will be ignoring it, back question dekhenge shayad usme kuch aisa hoga, creditors are my liabilities, BRS my asset, BP is my liability, सैलरीज आर माई एक्सपेंस, हैड देयर बीन वेजेस तो क्या आप वो लिखते, हैड देयर बीन वेजेस तो वो क्या आप लिखते, क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो सीओजीएस के फॉर्मूला में ऑलरेडी है। एक मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो वर्ड लिखा होता वेजेस एंड सैलरीज, कैसे डिफ्रेंशिएट करते, जब कभी भी कंबाइंड वर्डिंग आती है वेजेस एंड सैलरीज, वी ट्रीट इट एज पर द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड क्या है वेजेस, तो मैं इसे डायरेक्ट मानती, सारे का सारा मैं इग्नोर करती, मान लो वर्डिंग होती सैलरीज एंड वेजेस, पहले वर्ड के अकॉर्डिंग मैं ट्रीटमेंट करती, सैलरीज आर माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैं इसे डेबिट साइड पे लिखती, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपने माइंड में रखने हैं। चलो आंसर निकालो, देखो कौन सी साइड बड़ी है, बड़ी नहीं, दोनों सेम होंगी सच, सी गेट द टोटल, सो बॉयज विल डू द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम and this time girls will do the total of credit column, kis side ka, kis side ka credit ka aaya, char hi items thi 5,79,000, debit ka kar liya,
538 आ रहा है, कौन सी साइड का? 579 ही आ रहा है, यू चेक योर टोटल, दोनों साइड्स का 579 है। बैक एक्सरसाइज पे आओ, देखो सीओजीएस वाला है क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, वेजेस और सैलरीज में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिए। वेजेस आर ऑलवेज बीइंग पेड फॉर मैनुअल वर्क एंड सैलरीज आर ऑलवेज बीइंग पेड टू व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज हु आर ऑफिसर्स, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज करना शुरू करो। सेवेंथ क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द फर्स्ट आइटम 1,50,000, करना शुरू करो हरी आप एवरीवन। हां जी,